प्रदेश की शिवराज सरकार गुंडे माफियाओं को खदेड़ने में जुटी हुई है ताकि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा सके। इसी कड़ी में मामा शिवराज का पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर की भी कार्रवाई कर रहा है। अपराधियों के जहन में खौफ बिठाने के लिए एमपी पुलिस जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है, लेकिन अब तक 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुजर को पकड़ने में नाकाम रही है। मामले की गंभीरता को समझते हुए सीएम शिवराज खुद इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हाल ही में सीएम शिवराज ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इसमें दो टूक निर्देश दे दिए कि 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुजर हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। बस फिर क्या, सीएम की तरफ से मिले आदेश के बाद पुलिस जंगलों में उतर गई। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस हर तरफ से गुड्डा गुजर और उसके साथियों को घेरने की कोशिश कर रही है ताकि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। एसपी ने डकैत गिरोह का सफाया करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। एडीजी और एसपी ने जंगल में सर्चिंग करने के बाद अधिकारियों की भी बॉर्डर बैठक ली। इस बैठक में एमपी और यूपी पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। डकैत गिरोह को घेरने के लिए जिले के लगभग आधा दर्जन पुलिस थानों की टीमें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ नूराबाद पुलिस ने लोहगढ़ गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड्डा गुजर गिरोह के सक्रिय सदस्य डकैत करुआ गुजर का घर तोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डकैत सरेंडर कर दे। आपको बता दें, गुड्डा गुजर कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं है, बल्कि चंबल में आतंक का पर्याय बन चुका है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ शिवराज सरकार भी इसकी गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसीलिए 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुजर गिरोह के सफाए के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल डिवीजन के आला पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा दी, जिसके बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। एडीजी चंबल रेंज राजेश चावला, एसपी आशुतोष बागरी के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर जंगल में उतर गए। दिन भर जंगल में सर्चिंग करने के बाद एडीजी और एसपी ने पहाड़गढ़ में अधिकारियों की बॉर्डर बैठक ली। डकैत गिरोह को निपटाने के लिए पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड किया गया है। पड़ोसी राज्य की पुलिस भी उनका पूरा सपोर्ट करेगी। चलिए, इस मामले पर मुरैना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुरैना पुलिस लगातार, जो एक एडी टीम है मुरैना की, वो पहाड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग में रहती है और दो बार उसकी पुलिस के साथ में मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें बाल बाल बचा है। कई बार ऐसा संभव है कि उसकी किस्मत थी कि उस दिन जो है किसी तरीके से वो बच के निकल गया, अदरवाइज पुलिस का अपना जो घेराबंदी और जो प्रयास था बहुत ही आला दर्जे का था। इसके अलावा जो आसपास के थाने हैं और जो मुखर तंत्र है, पुलिस अपना सक्रिय किया है और उम्मीद है कि इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। पुलिस जिस तरह से ताबड़तोड़ दबिश दे रही है, उम्मीद है कि जल्द ही डकैत गुड्डा गुजर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।